आज जो हम कर रहे हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस और बेसिक रूल्स कर लिए हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के हमारे आ जाएंगे, जिसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले, जैसे इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड एटसेट्रा, ठीक है। और दूसरा जो है वो डब्ल्यू एच वर्ड से है। डब्ल्यू एच वर्ड में जो डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली होती है, जिसमें हमारे प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, उन्हें हम अलग अलग करके नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीट डब्ल्यू एच वर्ड्स के कर रहे हैं, जिसमें वाई, वेयर, वन या फिर विच, हु, ये सब जो है वो इसमें डब्ल्यू एच फैमिली में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो सेंटेंसेस हम इजमार से या वॉजवर से शुरू करने वाले हैं, उसी में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डब्ल्यू एच वर्ब में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, डिड ही किल अ लॉयन, डिड ही किल अ लॉयन। देखिए, जब हमारे पास यहाँ डिड है तो हमें वॉजवर में इसे कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ये वी टू होती है। जैसे डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की होती है, तो डिड जो है वो पास की होती है हमारी, तो इसे हमें वोज वर्ब में चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में जाते समय। अब डिड जहाँ है वहीं पे हमें वोज वर्ब लगाना है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले कि एक तो एक सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा इसका टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में है यानी इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव ही रहनी चाहिए। तो हमें इसमें वॉज वर लगाना है। अब वॉज या वर में से क्या लगाएंगे, तो हमें पहले ये देखना है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमें अब आगे लेके आना है, जैसा कि पैसिव वॉइस में हम करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में चला जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का मतलब बन जाता है और ये जो है वो सब्जेक्टिव केस का। तो अलॉयन हमारा पैसिव वॉइस में बाहर आ जाएगा। अब अलॉयन के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, अलॉयन के अकॉर्डिंग हमें वॉज लगाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है, तो वॉज हमारा बाहर रहेगा। वॉज अलॉयन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, किल की, एंड बाय हिम, तो ये हमारा बन गया वॉज अलॉयन किल्ड बाय हिम। एंड नेक्स्ट है Do you like him? Do you like him? अब इसमें देखिए, डूडल से बनने वाला क्वेश्चन है ये, Do you like him? अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, जब डू होता, डू या डज होता है, तो हमें इज एम आर में चेंज करना होता है। अब इज एम आर आएगा, क्या आएगा इसमें से, हमें देखना है कि हमारा यहाँ यू सब्जेक्ट है, हिम जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ लाना है, लेकिन सब्जेक्टिव केस में, तो ये हिम का जो है सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो हमें यहाँ ही लाना होगा। अब यहाँ पे ही, इसी के अकॉर्डिंग हमारा इज आ जाएगा। इज ही थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय यू। अब देखो, अगर मान लीजिए हमें ये डिड ही किल अ लायन से डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन बनाना होता, तो हम क्या करते, हम यहाँ मान लीजिए हमें लिखना है वाई डिड ही या वेन डिड ही, तो हम वाई से बना लेते हैं एक बार, वाई डिड ही किल अ लायन। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा कि यहाँ वाई है एज इट इज, हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस में वाई रखना है। डिड है क्योंकि हमने पहले जैसे लॉयन बाहर लाए थे और हमें वॉज लगाना था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लॉयन यहाँ लाएंगे तो वॉज लगा देंगे। देखिए, आप यहाँ पे वही सेम रखा हमने, वॉय को यहाँ से हटा दीजिए तो बाकी वॉज सेम बन जाएगा, वाय वॉज अ लॉयन किल्ड बाय हिम। अब ये क्वेश्चंस तो इस तरह से बन जाएंगे। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो डिफरेंट तरीके से भी बनते हैं, जैसे हु से बनने वाला क्वेश्चन है तो वो कैसे बनेगा, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल के साथ हम उन्हें देख लें। कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ, देखिए, व्हेन डज ही हेल्प मी, तो यहाँ व्हेन का मतलब यहाँ कब से है और यहाँ ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो अब ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है और ऑब्जेक्ट मी है, तो हमें पहले ऑब्जेक्टिव केस को भी चेंज करना होगा। देखो, व्हेन है तो व्हेन को यहाँ व्हेन ही रखेंगे, डज है तो डज हमारा जाता है किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में से। अब इज एम आर में से कौन सा लगेगा वो हमें ये ऑब्जेक्ट बताएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो पैसिव सब्जेक्ट हम यहाँ बनाएंगे तो व्हेन, और ये बन जाएगा आई, ठीक है,
तो आई को हम यहाँ रखेंगे. अब आई के अकॉर्डिंग इज एम आर में से यहाँ पे लग जाएगा एम. तो वेन एम आई, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ हेल्प्ड. और इसका हम अगर ऑब्जेक्टिव केस लेकर जाएंगे तो इसका हो जाएगा बाय हिम. ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड यू राइट अ लेटर. वाई से क्वेश्चन है. देखिए वेन वाई, तो यहाँ पे वाई का वाई रहेगा, ये एडवर्ब यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. वेन वाई डिड है तो वॉज वर में से लगाना है. अब वॉज या वर हमें ये लेटर यहाँ पे डिसाइड करवाएगा कि क्या लगाना है. ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहचानना आ जाता है तो इजी रहता है. वर्ब के जस्ट बाद हमारा ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ से हम लेके आएंगे अ लेटर, तो क्योंकि वॉज वर्ब में से लगाना है तो डिड के साथ हमारा अ लेटर के अकॉर्डिंगली जो है वो वॉज लगेगा. वाई वॉज अ लेटर. राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, अ लेटर रिटन और बाय यू. ठीक है, इससे पहले की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर डू डस दिया है तो इज़म आर लगाना होता है. उसमें बहुत तरीके से हमने पूरी स्ट्रक्चर को कर रखा है कंप्लीट. तो डिड जो है वो वॉज वर हमें चेंज करना होता है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा हु स्टोल द पेन. यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा. देखिए जब हु दिया हुआ होता है, हु क्या है, एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, और अगर हमें व्हाट लगाना होता है तो व्हाट जो है वो एक थिंग के लिए यूज़ करते हैं पर्सन की जगह पे. ये हम वो भी सब्जेक्ट की जगह पर हम जब यूज़ करते हैं. और हु का जो ये सब्जेक्टिव केस है, और ये हु का जो है हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है. तो जब हमें यहाँ पर्सन के लिए हम इसको चेंज करेंगे तो ये हु बाय हुम में हो जाएगा. लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ है सेंटेंस में, आप देखिए कि हु स्टोल द पेन, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला नहीं पता, उसी के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. हु स्टोल द पेन, इट मीन्स यहीं से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हमें बाय हुम जो है वो पहले ही लगाना होगा. ठीक है, तो यानी यहाँ आ जाएगा बाय हुम. अब ये जो है वो वी टू है. वी टू जब होती है तो वही जैसे डिड होती है तो हम वॉज वर लगाते हैं, उसी तरह वी टू होती है तो हमें वॉज वर लगाना होता है. तो बाय होम वॉज या वर क्या, अब ये हमें इससे पता चलेगा द पेन से. तो बाय होम वॉज द पेन स्टोलन. इसका एक और भी तरीका है, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इस बाय होम की जगह इसे आप हु लगा सकते हैं. और बाकी सेम देखिए वॉज द पेन स्टोलन तक कर वॉज द पेन स्टोलन, और उसके बाद आप इसे बाय लगाकर छोड़ दीजिए. स्टोलन बाय, दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं. हम इसमें एक ही क्वेश्चन में ऐसा डबल तरीका कर रहे हैं. बाकी क्या होता है कि ऑप्शन में हमें कई बार ये मिल जाता है तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है, नहीं तो हम बाय होम में चेंज करके भी इसे कर सकते हैं. सेम नेक्स्ट है. नेक्स्ट में देखिए हु ब्रोक द ग्लास, तो ये वी टू है. यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाय होम और वी टू है तो यहाँ ग्लास है, वॉज आ जाएगा. वॉज द ग्लास ब्रोकन, इसको भी आप ऐसे ही सेम बना सकते हैं. नेक्स्ट है हु वन द मैच, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आया हुआ है. तो बाय होम वॉज, ये जो वन है इसकी फॉर्म्स में विन वन वन, ये वन वन जो है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड है, क्योंकि थर्ड फॉर्म हैज़ अब हैड के साथ आती है. अगर वो बिना उसके आ रही है इट मीन्स ये सेकंड फॉर्म है. बाय होम वॉज द मैच वन. नेक्स्ट जो है देखिए इज टीचिंग है हु के साथ, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कंटिन्यूस में है और हमें टेंस चेंज नहीं करना, इसे हमें कंटिन्यूस ही रखना है. तो इसका हो जाएगा बाय होम. अब इज़म आर को इज़म आर ही रखना है, लेकिन पहले ये देखना है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ सब्जेक्ट बनाकर लेकर आना है. तो हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही आएगा. ही के अकॉर्डिंग हमारा इज़ रहेगा यहाँ पे. बाय होम इज़, पहले ही लगाना है यहाँ पे क्योंकि इसके बाद पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आता है. और उसके बाद बाय होम इज़ ही, क्योंकि इसे कंटिन्यू रखना है तो हमें बींग लगाना होगा. ही बींग, थर्ड फॉर्म इसकी टॉट होती है, रहता है इंग्लिश.
दो तरीके से बना सकते हैं, इस सब्जेक्ट को भी पहले ला सकते हैं. बाय होम इज इंग्लिश बींग टॉट टू हिम हो जाता है. ये हम पहले भी कर चुके हैं, वैसे डबल ऑब्जेक्ट में हम और भी क्वेश्चंस में करेंगे इसे. तो बाय होम इज ही बींग टॉट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. देखो, वाई डिड ही पनिश यू, तो वाई यहाँ पे क्वेश्चन है तो वाई वाई आ जाएगा. डिड है तो वॉज वर्ब में से लेकर आना है. तो वाई डिड ही पनिश यू, यानी ऑब्जेक्ट है हमारा यू, यहाँ से यू आएगा बाहर. तो यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर लगाएंगे. वाई वर यू, पनिश का पनिश्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा बाय हिम. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये है होम. होम ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है. ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ लेकर आना है. यानी अब बाय होम तो हम कर सकते थे लेकिन बाय हु तो हम नहीं कर सकते, तो यहाँ होम जो है वो सीधा हु में चेंज हो जाएगा. तो हु और डूडल्स होता है तो इज़ अमार. तो हु यहाँ पे हमें क्या लेकर आना है, देखिए इज़ अमार में से जब भी हम हु का यूज़ करेंगे तो हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगानी है. हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो सिंगुलर लगानी है. तो हु इज़ लाइक्ड, क्योंकि अब जिसकी बात हो रही है वो सिंगुलर है पर्सन. किसकी बात हो रही है, होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो, तो किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है. तो हु इज़ लाइक्ड बाय यू. ठीक है, नेक्स्ट अगेन हमारा होम है तो हु से आ जाएगा हु. ये होम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, यू यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ काम कर रहा है. हु यू हेल्प किसको नहीं पता, होम ही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किसकी हेल्प की. तो यहाँ हु यानी किसकी हेल्प की, हु इज़ हेल्प्ड बाय यू. लेकिन यहाँ हैव है तो हैव के अकॉर्डिंग हमें हैज़ लाना होगा. तो हु हैज़, मैंने जैसे कि इसमें बताया कि सिंगुलर लगानी है तो हैज़ में सिंगुलर जो होती है वो हैज़ होती है. हु हैज़ यहाँ पे हमारा, क्योंकि हमें बीन लगाना होता है तो बीन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हैज़ के साथ बीन लगाएंगे. तो हु हैज़ बीन हेल्प्ड बाय यू. ठीक है, नेक्स्ट है होम डिड यू इनवाइट. अब होम है, होम के अकॉर्डिंग वापस हु आ जाएगा. डिड है तो वॉज वर्ब में से लगाना होता है, तो हु के साथ सिंगुलर फॉर्म लगानी है. तो हु वॉज इनवाइटेड बाय यू. नेक्स्ट है व्हाट डू यू वांट. अब देखो यहाँ पे होम था तो ये एक किसी पर्सन की बात हो रही थी तो पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस था. जब व्हाट का यूज़ करते हैं, यहाँ देखिए यू वांट व्हाट नहीं पता, तो ये थिंक की बात हो रही है. यहाँ व्हाट थिंक के लिए यूज़ किया जा रहा है. तो हम कहेंगे व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट इज़, इसके साथ भी हम सिंगुलर लगाएंगे, व्हाट इज़ वांटेड बाय यू. डिफरेंस इसमें दोनों में क्या रहा कि यहाँ पे थिंग की बात हो रही है, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, हु इज़ लाइक बाय यू, और यहाँ पे हु इज़ वांटेड बाय यू. नेक्स्ट देखिए, विच मैन अब्यूज्ड हर. अब ये विच मैन यानी विच और मैन दोनों जो है, विच मैन की क्वालिटी जैसे हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, तो ये विच आ रहा है यहाँ पे. विच मैन कौन सा पर्सन, अब्यूज्ड हर किसने, कौन से पर्सन है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट की बात हो रही है तो बाय विच हो जाएगा, बाय विच मैन. By which man, अब यहाँ abused है तो second यहाँ यानी was verb लगाना है. तो by which man was, अब was क्यों लगाया, क्योंकि her है तो she आएगा यहाँ पे, तो she के according was आ गया. तो by which man was she abused. Next है when will you return my book. तो when will, यहाँ देखिए इतने को बनाते हैं हम, यू रिटन माई बुक. बुक माई बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो माई बुक को आगे ले आइए. वेन विल माई बुक, और विल के साथ हम लगाते हैं विल और शैल के साथ बी. तो विल माई बुक बी, अब ये रिटर्न की फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड बाय यू. तो इसमें आपने देखा कि हर वैन मतलब डब्ल्यू एच वर्ड के साथ डिफरेंट थोड़ा रूल रहता है.
थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है कि किसके बारे में बात की जा रही है, और हेल्पिंग वर्ब हमने अकॉर्डिंगली यूज़ करनी होती है, जो ऑब्जेक्ट जो है बाहर सब्जेक्ट बन के आता है पैसिव वॉइस का, उसके अकॉर्डिंग। आई होप आपको डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें। तो इससे पहले आप ये जो वीडियोज़ हमने 2 or 3 वीडियोज़ हमने डाली हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है देन इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।